अब पीएचपी एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जब भी कोई एरर आता है उस स्क्रिप्ट में तो नॉर्मल फ्लो को चेंज करना है हमें, या कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको हमको हैंडल करना है। तो पीएचपी 5 जो कि लेटेस्ट है उसके साथ एक नया तरीका आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका आया, ताकि आप एरर से डील कर सके। जैसे मैंने बताया एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको हम उपयोग इसलिए करते हैं कि ताकि जो नॉर्मल फ्लो है कोड ऑफ एग्जीक्यूशन का, उसको हम किसी तरीके से कोई कंडीशन होने पर हम हैंडल कर सके। उसे हम एक्सेप्शनल कंडीशन कहते हैं, जिससे इसीलिए इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एरर हैंडलिंग अलग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग है। वो जो कंडीशन एक कोड एग्जीक्यूशन के कारण होती है जिसमें स्पेसिफाइड एरर हो सकता है, तो उसको डील करने का तरीका आपने देखा था, हम एरर कैसे हैंडल करते थे। अभी कोई एक्सेप्शन है, उसे हम अलग तरीके से हैंडल करते हैं। और होता क्या है, जब कभी भी एक्सेप्शन ट्रिगर होता है तो क्या क्या हो सकता है? जो अभी का कोड है, जो करंट कोड है, वो उस कोड का स्टेट सेव हो सकता है। ये हो सकता है कि कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो स्विच कर जाए किसी प्री डिफाइंड या आपने ऑलरेडी लाइब्रेरी डिफाइंड आपके एक्सेप्शनल हैंडलर फंक्शन में। तो इस सिचुएशन के हिसाब से ये हो सकता है कि हैंडलर वापस रिज्यूम कर जाए एग्जीक्यूशन, जो अभी है, जो यहां पर सेव स्टेट था वहां पर वो रिज्यूम कर जाए, टर्मिनेट कर दे जो स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन है, या फिर किसी और लोकेशन पे जाके कोड को चलाना शुरू कर दे। तो अलग अलग तरीके से हम एरर हैंडलिंग देखेंगे, और इस एरर हैंडलिंग को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम दे रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर देखेंगे कि एक्सेप्शन का बेसिक उपयोग क्या है। हम एक कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर बनाएंगे, मल्टीपल एक्सेप्शंस देखेंगे और एक्सेप्शन की री थ्रोइंग देखेंगे, और फिर उसके बाद किस तरीके से हम टॉप लेवल एक्सेप्शन हैंडलर को सेट करते हैं ये हम देखेंगे। तो एक्सेप्शन तभी हम यूज करें जब एरर कंडीशंस हो, ये उस किसी भी कारण के लिए यूज ना करें कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जंप करना है, यू नो, नॉट टू बी यूज टू जंप टू अनदर प्लेस इन द कोड। जैसे हम लोग ने कहा कि C++ इन सब में जंप सबसे खतरनाक है, तो सी के बाद आगे जितने भी लैंग्वेजेस आए उसमें जंप इंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, राइट? तो बस इसी तरीके से एक्सेप्शंस को वहीं यूज करें जहां पर एरर कंडीशंस है। अब बेसिक यूज एक्सेप्शंस का, जब भी एक्सेप्शन थ्रो होगा तो कुछ उसके बाद की जो कोड होगी, मान ली यहां एक्सेप्शन हैंडल हुआ, तो इसके बाद का जो कोड है विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और फिर पीएचपी कोशिश करेगा कि जो मैचिंग कैच ब्लॉक है वो कहां मिले। हम इसको अभी ट्राई कैच में देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई चीज एग्जीक्यूट हो, अगर उसमें एरर आ रही है तो उसको ये हैंडलिंग भी प्रॉपर हो। अगर एक्सेप्शन को आपने प्रॉपरली कैच नहीं किया, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, कॉट नहीं किया, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक अनकॉट एक्सेप्शन मैसेज मिलेगा। अब हम कोशिश करते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो करें बगैर उसको कैच किए, एरर आए, एरर निकले और हम उसको कैच नहीं कर रहे हैं। तो हम एक एक्सेप्शन फंक्शन बनाते हैं। यहां पर क्या करेंगे कि एक फंक्शन है चेक नंबर, इसके अंदर हम नंबर वेरिएबल डाल रहे हैं। अगर नंबर एक से ज्यादा हो तो नया एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा, वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो, एक से कम होनी चाहिए, रिटर्न ट्रू, और ये इसके बाद बाहर आ गया, ये हमारा फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद हमने ट्रिगर किया एक्सेप्शन को, यहां पर हमने कॉल कर दिया चेक नम 2। अब 2 आ रहा है, हम जानते हैं कि ये तो एक से ज्यादा है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा, तो 2 में ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपके पीएचपी में एरर आएगा, अनकॉट एक्सेप्शन एक्सेप्शन, और इसमें मैसेज आएगा इस तरीके से, वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो। वो आपको आपका फोल्डर वगैरह बताएगा, लाइन नंबर बताएगा, ट्रेस कर स्टैक का जो ट्रेस है वो बताएगा कहाँ कहाँ एरर है। अब हम इस तरीके की एरर को अवॉइड करने के लिए, अभी आपने देख लिया क्या एरर थी, इन सब एरर को अवॉइड करने के लिए ट्राई थ्रो और कैच है, हम कोई प्रॉपर एक तरीका बनाना पड़ेगा, कोड बनाना पड़ेगा, ताकि हम इस हैंडल को, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। तो पहले हम ट्राई करेंगे, यानी कि जो फंक्शन जिसमें हम ट्राई ब्लॉक में जो चीज लिख रहे हैं वहां पर हमें लग रही है पॉसिबिलिटी है कि कुछ एरर आ सके। अगर एक्सेप्शन
ट्रिगर नहीं होता है तो कोड तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन अगर एक्सेप्शन ट्रिगर होता है तब ये थ्रो में जाएगा। ट्राई के अंदर जो आप कोड लिखेंगे वो अपने आप चलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे नॉर्मल कोडिंग होती है वैसे चलेगी, लेकिन अगर कोई एरर आती है तो फिर उसके बाद ये थ्रो पे जाएगा। तो थ्रो में यहां पर इस थ्रो से आप ट्रिगर करते हैं, एक ट्रिगर करते हैं एक्सेप्शन। तो हर एक थ्रो के साथ कम से कम एक कैच होना चाहिए। ट्राई थ्रो हो गया, अब कैच के बारे में बात करते हैं। जो कैच ब्लॉक है वो ये क्या करेगा, वो इस एक्सेप्शन को रिट्रीव करेगा, लेगा, और उसके बाद जो भी एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, यानी कि आपको एक्सेप्शन दिखाएगा, बताएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक एक्सेप्शन को ट्रिगर करते हैं एक वैलिड कोड के हिसाब से। कैसे, हमने यहां पर अभी अभी देखा था कोड में, हमने एक फंक्शन लिखा था, ये चेक नंबर फंक्शन, इसके अंदर नंबर डाला, नंबर एक से ज्यादा है तो वैल्यू, उन्होंने बताया साहब वैल एक से कम होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, बाहर आ गया। अब हम ट्रिगर कर रहे हैं एक्सेप्शन, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर करेंगे, यानी कि जब हम चेक नंबर यहां पर कॉल कर रहे हैं तो उसके बाद हम ट्राई और कैच करेंगे। तो ये ट्राई ब्लॉक में, ये देखिए यहां से ट्राई शुरू हुआ आपका, ट्राई इसके अंदर गए इस ब्रेस के अंदर। अब यहां पर हमने चेक नंबर लिखा, तो ट्राई के अंदर प्रॉब्लम अगर आती है एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो ये इको यानी कि ये लाइन तो दिखाई नहीं देगी, इफ यू सी दिस दैट नंबर इज वन बिलो, क्योंकि एक्सेप्शन आ गया। तो ये अपने ये कंट्रोल चला जाएगा आपका किसमें, नेक्स्ट में, जिसे हम कैच कह रहे हैं। हम यहां पर एक तो यहां पर हम थ्रो और कैच की बात कर रहे हैं, तो ट्राई करेंगे, ट्राई में अगर ये होता, और यहां में हमने लिख दिया है, यहां पर हमने क्या लिखा है, मैंने कहा था ट्राई करेंगे, फिर उसमें अगर ट्राई में कोई एरर आती है तो थ्रो करना पड़ेगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कैच में, इस जगह कैच जो भी एक्सेप्शन यहां से थ्रो होगा ये डॉलर ई वेरिएबल में जाएगा, और फिर आप मैसेज को यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं कि क्या क्या मैसेज है। तो ये डॉलर ई से गेट मैसेज करेंगे तो ये बता देगा कि ये वाला वैल्यू मस्ट बी वन और बिलो। तो अभी जो आपने जस्ट नाउ कोड देखा, इसमें एक्सेप्शन थ्रो होता है और उसे कैच भी किया जा रहा है। जो चेक नाम फंक्शन है वो क्रिएट किया हमने, ये देखता है नंबर एक से बड़ा है कि छोटा है, अगर ये नंबर बड़ा है तो एक्सेप्शन थ्रो होगा। चेक नाम फंक्शन हमने इस अंदर लिखा ट्राई ब्लॉक के, जो एक्सेप्शन जो चेक नंबर फंक्शन में आया उसने ऑब्वियसली फंक्शन ये थ्रो करेगा अगर नंबर बड़ा होगा। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, ये रिट्रीव करेगा एक्सेप्शन, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट डॉलर ई जो मैंने बताया वो ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन आएगी। अब इस ऑब्जेक्ट से आप इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन की ले सकते हैं, तो जो एरर मैसेज है जो एक्सेप्शन से आएगा उसको इको आराम से कर सकते हैं डॉलर ई इसके साथ एरर लगा के गेट मैसेज, जो भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आपका यहां मिल रहा है। इसके अलावा एवरी थ्रो मस्ट हैव अ कैच, अगर इससे थोड़ा आपको वन वे टू गेट अराउंड दिस, मतलब हर ये मैंने पहले बताया था कि हर एक थ्रो के साथ कम से कम एक तो आपका कैच होना चाहिए। अब टॉप लेवल एक्सेप्शन हैंडलर लगा दे ताकि जितनी भी एरर स्लिप थ्रू करें उन सबको आप हैंडल कर सके, सबसे अच्छा तरीका। अगर ये आपको हर एक के साथ नहीं लगाना है तो आप ये कर सकते हैं, इसका भी आप तरीका देखेंगे। तो हम एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट करेंगे और ये आप यहां देख पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक स्पेशल क्लास बनाएंगे जिसके अंदर फंक्शंस होंगे जो हम कॉल करेंगे जब भी कोई एक्सेप्शन होता है, और ये क्लास होना चाहिए हमेशा एक्सटेंशन, यानी कि हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, जो भी क्लास हम बनाएंगे यहां पर वो हमेशा एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन को। किस क्लास को, एक्सेप्शन क्लास को। तो अब यहां पर देखिए जो कस्टम एक्सेप्शन है वो इनहेरिट करेगी सारी प्रॉपर्टी, ये जो कस्टम एक्सेप्शन आप बना रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी इस एक्सेप्शन क्लास की। अब आप इसमें अपने खुद का कोड डालिए, कस्टम फंक्शन डालिए। तो हमने क्या किया, इसको पीएचपी के अंदर लिखा, यहां पर हमने क्लास लिया कस्टम एक्सेप्शन, ये आपका नाम है, आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड्स में जैसे ही आप एक्सेप्शन कर देते हैं इसका मतलब आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा हाईएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट लेवल है। उसके अंदर आप अपना फंक्शन लिखिए, जैसे पब्लिक फंक्शन एरर मैसेज आप लिखते हैं, और एरर मैसेज को आप दिखाना चाहते हैं कि एरर ऑन लाइन, दिस लाइन नंबर देगा, इन वो गेट फाइल, फाइल का नाम देगा, लाइन नंबर देगा, उसके बाद वो मैसेज दिखाएगा कि जैसे मैं वैल ईमेल एड्रेस नहीं है, जो भी आपका आएगा, और उसके बाद इस एरर मैसेज को जो फाइल बन गया इसको ये वापस भेज देगा, रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये जो ईमेल है, अब हम ट्राई के अंदर गए
और यहां पर हमने क्या किया कि जो मैंने आपको बताया था फिल्टर वेरिएबल यूज करके हमने ईमेल और फिल्टर वैलिडेट ईमेल से चेक किया ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ईमेल इनवैलिड हो गया तो नया जो आपने कस्टम एक्सेप्शन दिया था वो चला जाएगा और डॉलर ईमेल जो इस ये वाला ऑब्जेक्ट है वो हम यहां भेज देंगे। अब ये जब थ्रो करेगा नया एक्सेप्शन और गलती से ईमेल गलत है तो आप यहां पर जाएंगे कैच में कस्टम एक्सेप्शन डॉलर ई और डॉलर ई के साथ एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे। जो नई क्लास है ये कॉपी है ओल्ड एक्सेप्शन क्लास की, जो अभी आपने एक्सेप्शन क्लास देखा साथ में आपने बस अपना एक फंक्शन जोड़ा जिसे हम एरर मैसेज करें जो आपने इस कोड में देखा। और क्योंकि ये कॉपी है पुराने क्लास की और इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी सारी ओल्ड क्लास की जिसे हमने एक्सेप्शन कह रहे हैं तो हम इसके आराम से एक्सेप्शन की क्लास की जो मेथड इनहेरिटेड है जैसे गेट लाइन है गेट फाइल है गेट मैसेज है हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो अगर इस कोड को दोबारा देखा जाए तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है और इसको कैच किया जा रहा है आपके खुद की एक्सेप्शन क्लास बना के। तो जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास है इसको हमने जो एक्सेप्शन क्लास है उससे इनहेरिट किया, इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज और मेथड जो आपके एक्सेप्शन क्लास में थी वो इस कस्टम एक्सेप्शन में आ गई, इनहेरिट कर लिया आपने। फिर आपने एरर मैसेज फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्या करेगा ये एरर रिटर्न करेगा यदि ईमेल एड्रेस इनवैलिड है। और जो डॉलर ईमेल वेरिएबल है ये हमने यूज किया ताकि हम सेट कर सके जिस टू सेट सेट टू इज सेट टू अ स्ट्रिंग दैट इज नॉट अ इनवैलिड नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो हमने इसको पहले ही सेट कर दिया ऐसा स्ट्रिंग जो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर गए उसको हमने उसके अंदर एग्जीक्यूट किया और हमने देखा एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि हमने गलत अपने आप ईमेल जो है वो गलत दे दिया। अब जब गलत दिया तो ये जाएगा ही जाएगा कैच में तो कैच ब्लॉक कैच करेगा इस एक्सेप्शन को और डिस्प्ले करेगा एरर मैसेज को। अब एक एक्सेप्शन तो देख लिया, चलिए मल्टीपल एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये जरूर पॉसिबल है किसी स्क्रिप्ट में एक से ज्यादा एक्सेप्शन हो सकते हैं तो मल्टीपल कंडीशंस के हिसाब से हम देखेंगे। हम एक जैसे इफ एल्स ब्लॉक होते हैं एक स्विच होता है इसी तरीके से आपके नेस्टेड मल्टीपल एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ये एक्सेप्शंस अलग अलग एक्सेप्शन क्लासेस यूज कर सकते हैं और अलग अलग मैसेज भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे इस पीएचपी कोड में देखिए आपके पास एक कस्टम एक्सेप्शन जिसको आपने एक्सटेंड कराया मेन एक्सेप्शन से, यहाँ पर एरर मैसेज लिखा, यहाँ पर एरर जो है अगर नॉलेज इनवैलिड एड्रेस है तो ये रिटर्न करेगा एरर मैसेज, इसमें लाइन नंबर बताएगा फाइल का नाम बताएगा और मैसेज ये वाली रिटर्न करेगा। ये आपने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि साहब ये तो गलत है। ट्राई के अंदर गए हमने फिल्टर किया और यहाँ पर मतलब चेक किया वैलिडिटी इनवैलिडिटी इसकी और उसके बाद हमने थ्रो किया एक्सेप्शन को। अगर वो नहीं है तो गलत है तो हम कस्टम एक्सेप्शन के डॉलर ईमेल में गए और यहां पर हमने यहां इधर देखिए इफ स्ट्रिंग पोजीशन, यहां पर ये स्ट्रिंग पोजीशन है इसकी ईमेल एग्जांपल के बराबर हमने कोशिश की कि एग्जांपल जो भी यहां पर कोड दिया हुआ ये तो खैर एग्जांपल के दे रहा हूं, इस वाले ईमेल में इसकी पोजीशन ढूंढी हमने। अगर ये जो पोजीशन है हमें मिलती है नहीं मिलती है उस हिसाब से हमने एक्सेप्शन थ्रो किया। एक्सेप्शन ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल, वाकई में ईमेल है मतलब ये वाकई में एग्जाम्पल है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक कैच करा सकते हैं कस्टम एक्सेप्शन से एरर मैसेज और उसके बाद ये तो कस्टम एक्सेप्शन जो आपने लिखा हुआ है और ये वो एक्सेप्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है तो एक ई गेट मैसेज। तो दो एक्सेप्शन हमने यहाँ पर दे दी। ओके तो इसको थोड़ा समझते हैं इस कोड में हुआ क्या। जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास हमने क्रिएट की वो एक्सटेंशन बनाई हमने क्योंकि उसको एक्सटेंड किया, इसका मतलब वो सारे के सारे पुराने चीजों को जो भी एक्सेप्शन में है उसको इनहेरिट कर लेगी। फिर हमने एरर मैसेज फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन रिटर्न करता है एरर मैसेज यदि ईमेल एड्रेस इनवैलिड हो। जैसे हमने देखा जो डॉलर ईमेल वेरिएबल है उसको हमने स्ट्रिंग किया एक वैलिड ईमेल एड्रेस है राइट, लेकिन इसमें एक स्ट्रिंग है जो एग्जाम्पल करके है अभी आपने देखा। ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और वो एक्सेप्शन थ्रो करता है which is not thrown on the first condition क्योंकि अब valid email हो गया ये throw नहीं करेगा पहली मतलब email क्योंकि valid है। अब यहाँ पर हमने valid email भेजा है तो पहली condition तो नहीं होगा तो second condition trigger करेगी एक exception क्योंकि email contain करता है string जो है example वाली string को ये contain करता है जो हमने string position से ढूंढा। तो जो catch block catch करेगा इस exception को
और डिस्प्ले करेगा जो भी करेक्ट एरर मैसेज होगा। अगर कोई अगर मान लीजिए आप ये कस्टम एक्सेप्शन कैच नहीं देते तो जो बेस एक्सेप्शन है केवल वही चलता, राइट। अब रीथ्रोइंग एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, एक बार और एक्सेप्शंस को भेजना। कभी कभी जब एक्सेप्शन आप थ्रो होता है तो आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग तरीके से आप हैंडल कर सके, तो आप उस एक्सेप्शन को दोबारा भी थ्रो करवाना चाहते हैं कैच ब्लॉक में। तो एक स्क्रिप्ट जरूरी है कि एक स्क्रिप्ट जब भी चले वो एरर्स यूजर से आपसे हमसे हाइड करे। सिस्टम एरर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन यूजर को इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए अगर आप यूजर के लिए लाइफ आसान बनाना चाहते हैं तो आप इसको रीथ्रो करिए एक्सेप्शन को एक यूजर फ्रेंडली मैसेज के हिसाब से। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एक यूजर फ्रेंडली मैसेज हो जो उसको समझ में भी आए और ज्यादा कुछ ऐसी चीज गंभीर लाल पीले कलर में ना आ जाए कि वो देखिए अरे बाप रे क्या हो गया ये। तो हमने क्लास कस्टम एक्सेप्शन बनाया और यहाँ पर जो फंक्शन एरर मैसेज है इसमें एरर मैसेज दिया, जो भी मैसेज आ रहा है ये नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस और रिटर्न एरर मैसेज, जैसे कि अभी अभी हमने पहले भी किया। और इस ईमेल में हमने देखा कि प्रॉपर ईमेल एड्रेस है, फिर हम ट्राई ब्लॉक में गए यहाँ पर और हमने इस ट्राई के अंदर ये चेक किया इस एग्जाम्पल को, क्या इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि इस एग्जाम्पल को चेक किया इस ईमेल में है कि नहीं, किस पोजीशन पे है। और अगर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन बता देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। इसलिए अब अगर इनवैलिड है तो कुछ होगा, वैलिड है तो कुछ होगा, अगर ये नॉट वैलिड है तो एक्सेप्शन हम कैच करेंगे और फिर इसको रीथ्रो कराएंगे। ध्यान दीजिए बस यहाँ ये रीथ्रोइंग का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रीथ्रो करेंगे एक्सेप्शन यानी कि थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन, हम दोबारा एक्सेप्शन को थ्रो करा रहे हैं डॉलर ईमेल वाले। तो अब इसको हम यहाँ पर कैच करेंगे इस कस्टम एक्सेप्शन में और यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं अपने मैसेज को। इसको समझिए इसमें इस कोड में क्या हो गया। ये कोड अभी अभी हमने देखा, ये टेस्ट करता है ईमेल एड्रेस को जिसके अंदर एग्जाम्पल है कि नहीं, यानी एग्जाम्पल जो भी आप लिखना चाहें, हमने तो एग्जाम्पल देखा। अगर हाँ इसके अंदर है तो एक्सेप्शन को रीथ्रो किया जाएगा। तो एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट किया गया जिसको एक्सटेंड किया गया मेन एक्सेप्शन क्लास से। इसका मतलब वो इनहेरिट करेगी जो भी मेन हमारे एक्सेप्शन क्लास है उसकी मेथड और प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद एक एरर मैसेज फंक्शन क्रिएट किया गया। ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक एरर मैसेज यदि ईमेल एड्रेस इनवैलिड हो। इनवैलिड होगा तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। ये जो डॉलर ईमेल वेरिएबल है इसको हमने सेट किया एक स्ट्रिंग से जो एक वैलिड ईमेल एड्रेस है, लेकिन उसके अंदर आपका एग्जाम्पल करके आपका एक स्ट्रिंग आता है। फिर हम ट्राई के अंदर गए और ट्राई के अंदर हमने एक और ट्राई लिखा। ट्राई के अंदर ट्राई, अगर आप देखें इस ट्राई के अंदर हमारे पास ये ट्राई है, उसके अंदर एक और ट्राई है, ट्राई के अंदर ट्राई। तो ये जो ट्राई के अंदर ट्राई लिखा तो हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रीथ्रो करना चाहते हैं। तो जो एक्सेप्शन ट्रिगर होगा क्योंकि ईमेल वाकई में एग्जाम्पल रखता है अपने में, यहां पर देखिए एग्जाम्पल है इसमें, तो ये जरूर ट्रिगर होगा, राइट। अब ये ट्रिगर होगा तो जो कैच ब्लॉक कैच करेगा एक्सेप्शन को, फिर उसके बाद वो दोबारा रीथ्रो करेगा कस्टम एक्सेप्शन। जो कस्टम एक्सेप्शन को फिर से कैच किया जाएगा और फिर डिस्प्ले किया जाएगा एक एरर मैसेज। अगर एक्सेप्शन को कैच नहीं किया गया ट्राई ब्लॉक में तो ये सर्च करेगा और हायर लेवल्स पे, ठीक है। करंट ट्राई ब्लॉक में अगर उस जगह नहीं किया गया तो वो अपने और हायर लेवल पे सर्च करता है। तो हम सेट करेंगे एक टॉप लेवल एक्सेप्शन हैंडलर। तो सेट एक्सेप्शन हैंडलर ये फंक्शन सेट करता है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन ताकि हम हैंडल कर सके सारे अनकॉड एक्सेप्शन। अगर आपने नहीं किए सारे अनकॉड को ये कैच कर लेगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर फंक्शन हमने माई एक्सेप्शन लिखा, उसके अंदर हमने डॉलर एक्सेप्शन करके एक वेरिएबल दिया, इको कराया एक्सेप्शन को और यहाँ पर मैसेज दिया। फिर यहाँ पर हमने सेट एक्सेप्शन हैंडलर दिया जो माई एक्सेप्शन है और एक थ्रो किया एक नया एक्सेप्शन को और यहाँ पर लिख दिया अनकॉड एक्सेप्शन ऑकर्ड। इसको मैं समझाऊंगा अभी। जो आउटपुट है इस कोड का उसको वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, एक्सेप्शन कोलन के बाद अनकॉड एक्सेप्शन ऑकर्ड। अब इस कोड में कोई कैच ब्लॉक नहीं है, केवल थ्रो है, देख रहे हैं आप, इसमें कोई कैच ब्लॉक नहीं केवल थ्रो है। जो टॉप लेवल एक्सेप्शन वो ट्रिगर हुआ है यहां से।
अगर कोई भी अनकॉट एक्सेप्शन होता है तो आप ये सेट थ्रो सेट एक्सेप्शन हैंडलर को यूज करके बगैर कैच लगाए हाईएस्ट लेवल पे जाके कैच कर सकते हैं। तो रूल क्या होंगे इस एक्सेप्शन के, जो कोड अभी जो हमने जो जो चीजें समझी, कोड को हमको ट्राई ब्लॉक में रखना है ताकि कोई भी पोटेंशियल आगे होने वाला एक्सेप्शन को हम कैच कर सके। हर एक ट्राई ब्लॉक या थ्रो ब्लॉक के साथ कम से कम एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस जो एक्सेप्शंस के आ रहे हैं। एक्सेप्शन को आप रीथ्रो भी कर सकते हैं, आप सिंपल सा रूल है, अगर आप कुछ फेंकते हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब इसका जो भी हमने समझा है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं आपके ब्राउजर में चला के। अब पीएचपी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ तरीके हैं, और सबसे पहले हम चीज यूज करते हैं जो बेसिक यूज है एक्सेप्शन का, जो भी एक्सेप्शन आता है तो पहली चीज उठाते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो कोड है ये ऑलरेडी आपको पीएचपी के एक्सेप्शन हैंडलिंग W3 स्कूल्स में मिल जाएगा, और इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप देख रहे हैं कि ये जो कोड है यहाँ पर ट्राई कैच किस तरीके से हम यूज करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली अगर नंबर कोई बड़ा है छोटा है इस तरीके से एक चेक कर लेते हैं जो अनकॉट एक्सेप्शन है। लेट अस सी सम अनकॉट एक्सेप्शन। तो एक अनकॉट एक्सेप्शन पकड़ लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि हम इसको कैच कैसे करेंगे। यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास test.php ऑलरेडी बना हुआ जिसपे हम सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक बात की कि नंबर ग्रेटर देन वन है, तो नंबर ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा, एक एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और यहां पर हमने ले लिया, यह हमारा फंक्शन है। तो अगर नंबर एक से बड़ा है तो यहां पर वैल्यू मस्ट बी वन आना चाहिए, रिटर्न ट्रू, और यहां पर हमने फंक्शन का नाम लिया चेक नम टू। क्या चेक नम कहीं दिख रहा है आपको, पर चला के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये यहां पर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि अनडिफाइंड वेरिएबल है आपका लाइन 8 में आपका अनडिफाइंड वेरिएबल है, ये डॉलर नंबर तो आपने कहीं दिया ही नहीं। तो अभी नंबर जो भी एरर आपकी है इसको हम थोड़ा और दूर करते हैं। अब हम फंक्शन प्रॉपर बनाते हैं, ठीक। ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन चेक नंबर भी हो गया, राइट। चेक नंबर फंक्शन है, वो फंक्शन यहां दिया भी गया है, नंबर भी डिफाइन हो गया डॉलर नंबर। अब नंबर अगर ग्रेटर देन वन है तो नया थ्रो न्यू एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन आएगा। अब देखिए ये कैसे चलेगा, लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। रिफ्रेश करता हूं इसको। अब इसमें जो एक्सेप्शन है वैल्यू मस्ट बी वन और बिलो। यहां पर हुआ क्या है कि जो बेसिक अनकॉट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो थ्रो कर दिया, उसको कैच तो किया नहीं आपने, थ्रो किया इसको। तब हम इसको ये आपने जो लाल कलर की देखी ये जो चीजें आ रही है इससे हम थोड़ा सा दूर जाएंगे और हम थोड़ा सा इसको ट्राई कैच में लिखेंगे। तो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा और सोफिस्टिकेट करके लिखता हूं और एक एक चीज समझाता हूं आपको कि इसमें अब क्या करेंगे। हमने क्या किया, सेम चीज, हमने एक चेक नम करके फंक्शन लिया, उसके अंदर एक नंबर जाएगा, अगर नंबर ग्रेटर देन वन है तो एक नया एक्सेप्शन थ्रो करेगा, रिटर्न टू, यहां तक ठीक है। अब ये जो चीज है ना, जो हमने फंक्शन पहले दिया था वो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, उसको किसी ने भी नहीं रखा था, एरर आ रही है तो आ रही है, लेकिन अब यहां पर वो जो फंक्शन है वो हम ट्राई के अंदर दे रहे हैं। अब हम कॉशियस हैं कि ये जो फंक्शन है ये इसमें एरर आ सकता है, तो हम ट्राई के अंदर इसको डालेंगे और ट्राई के बाद हमने जो भी इको करना है कर देंगे, और उसके बाद अगर एरर आती है तो हम कैच करेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास है। तो एक्सेप्शन में यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में इसका एरर आएगा और उसको आप यहां पर शो कर सकते हैं। देखिएगा अब वही प्रोग्राम जो आपने पहले अभी जस्ट देखा उसको भी यहां इस तरीके से रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए मैसेज वैल्यू मस्ट बी वन ऑफ बिलो, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तरीका है किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को पहले तो यहां पर थ्रो कराएंगे एक्सेप्शन को, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, उसको ट्राई कैच में लिखेंगे जो भी हमारा फंक्शन है जो एरर दे सकता है, चाहे डिवाइड बाय जीरो हो, आउट ऑफ बाउंड्स है, जो भी हो। तो यहां पर ट्राई के अंदर हमने दिया और उसके बाद उसको कैच कराया, तो अगर ये एरर आती है तो हम इसको ग्रेसफुली यूजर को दिखा सकते हैं कि देखिए साहब वैल्यू मस्ट बी वन और बिलो, ठीक। ये काम हो गया। अब कस्टम एक्सेप्शन क्लास आपको खुद बनानी है, कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे और कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाने के बाद देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो कस्टम एक्सेप्शन क्लास पे जाएंगे, मैं यहां से एक बार यहां से लेता हूं,
ये आपका ट्राई कैच आप समझ गए, कस्टम एक्सेप्शन क्लास ये वाला। तो इसमें W3 स्कूल से ही ले रहे हैं हम कॉन्टेंट, इसको लीजिए। इसमें क्या हुआ है देखते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूं। ओके, ये कोड जरूर आपको लगेगा कि ये कॉपी पेस्टिंग हो रही है, लेकिन चूंकि ये कोड इतने बड़े हैं, अगर इसको लिखा जाए तो काफी समय लेंगे, आपका भी समय इसमें जाया होगा। अगर आप इसको समझ जाए तो आप ज्यादा अच्छे से इसको समझना जरूरी है, बाकी आप लिख तो W3 स्कूल में ऑलरेडी कोड दिया ही हुआ है। तो हमने अब क्या किया, एक कस्टम एक्सेप्शन लिखा, उसको एक्सटेंड कराया हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेप्शन से, जो मेरी क्लास है। तो इसके फंक्शंस आ गए हमारे पास, एक्सेप्शन के हमारे पास वेरिएबल्स और फंक्शंस आ गए। इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम लिखा एरर मैसेज। ये एरर मैसेज को बनाने का तरीका है, एरर मैसेज बन रहा है जिसमें लाइन ये यहां से एक्सेप्शन से आ गया, ये गेट फाइल यहीं से आ गया, गेट मैसेज यहीं से आ गया, और उसके बाद रिटर्न कर दिया मैसेज। तो अब ये हमारी जो मैसेज है वो बहुत प्रॉपर दिखने वाला है, सुंदर तरीके से आपको प्रॉपर दिखाएगा कि कहां एरर है। हमने ईमेल को दे दिया इस तरीके से, ये लाइन लिख दी। हमने देखा कि ट्राई के अंदर, अब हम ट्राई के अंदर देख रहे हैं क्या ये मेल हमारी प्रॉपर है, ये जो डॉलर ईमेल हमने वेरिएबल बनाया क्या ये प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो करिए। एक्सेप्शन कहां से थ्रो करवाया, यहां से कस्टम एक्सेप्शन से जो आपने आप क्लास बनाई, और ये डॉलर ईमेल इसमें पास कर दिया, और यहां पर कैच कराया कस्टम एक्सेप्शन। अभी आपने ये जो कस्टम एक्सेप्शन, अभी इससे पहले आपने क्या दिखा था, एक्सेप्शन वो हमारा हाईएस्ट लेवल था, कस्टम एक्सेप्शन आपने खुद बनाया इसको हाईएस्ट लेवल को इनहेरिट करके। तो जो कस्टम एक्सेप्शन यहां पर बनाया, यहां पर जब इको करेंगे एरर मैसेज तो देखिए क्या आता है। यहां पर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कराता हूं, तो ये आपका आया एरर, बताया इसने, ये लाइन बताई प्रॉपर, आपको बोला कि ये वैलिड ईमेल नहीं है। ठीक, आपने बताया कि यहां पर वैलिड ईमेल नहीं है। देखिए यहां पर तीन डॉट दिए हमने जानबूझ के, इसको गलत किया हमने, ईमेल को गलत किया। हम जानते हैं कि यहां वैलिडेट नहीं हो पाएगा, और उसके बाद हमने कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाई जो इनहेरिट के एक्सेप्शन से, और यहां पर एक एरर मैसेज तैयार किया बेहतरीन सा, और वो हमने जाके यहां पर थ्रो न्यू एक्सेप्शन को कैच किया। यहां पर इसको इधर करिए, ट्राई के साथ कैच साथ में आता है, कैच करिए, और कैच करने के बाद उसने यहां बता दिया। आप समझ गए क्या हो रहा है इसमें। तो ये एक तरीका हुआ। इसके आगे अब हम देखते हैं मल्टीपल एक्सेप्शंस। मल्टीपल एक्सेप्शन, एक साथ आप एक से ज्यादा मल्टीपल एक्सेप्शंस आते हैं तो क्या करेंगे, किसी पे कुछ एक्शन, किसी पे कुछ एक्शन। तो अभी कोड और मैंने मल्टीपल एक्सेप्शन का ले लिया, डायरेक्ट आप W3 स्कूल से भी ले सकते हैं। सेम काम हो रहा है इसमें, कस्टम एक्सेप्शन बना रखा है आपने, एक्सेप्शन से इनहेरिट किया, ये आप एरर मैसेज बना रहे हैं। इस बार आपने जरा ये ईमेल यहां पर दिया, और यहां पर जो भी एरर आ रही है वो आपने डिस्प्ले कर दी। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो एक जो मल्टीपल एक्सेप्शन है उसकी मैं कॉपी पेस्टिंग करता हूं, राइट। अब ये हुआ, हमने कस्टम एक्सेप्शन बनाए इनहेरिट के एक्सेप्शन से, यहां पर एक बढ़िया सा एरर मैसेज जनरेट कर दिया। अब हमने ईमेल बिल्कुल सही दिया, अब हमने डॉट 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 करके दिया, ईमेल बिल्कुल सही दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें चेक करना चाहते हैं क्या ये एग्जाम्पल, जो भी आप ईमेल दें, ये एग्जाम्पल है जस्ट, तो इस एग्जाम्पल में आप चेक करना चाहते हैं क्या इस ईमेल में एग्जाम्पल नामक शब्द है। उसको हमने ट्राई में चेक किया स्ट्रिंग पोजिशन, लेकिन ध्यान दीजिए ट्राई के अंदर ट्राई है, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई है। आपको मल्टीपल एक्सेप्शन के लिए ट्राई के अंदर ट्राई लिखेंगे, एक ट्राई एक एक्सेप्शन देगा, दूसरा ट्राई दूसरा एक्सेप्शन देगा। एक एक्सेप्शन हमने कैच कर लिया इसमें, एक हमने कैच किया आपके जो कस्टम एक्सेप्शन लिखा था इसमें, इस वाले में। तो यहां पर कस्टम एक्सेप्शन में आपने ये कस्टम एक्सेप्शन दिया, और नॉर्मल एक्सेप्शन जो आता है वो तो यहां पर है ही, राइट। अब मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूं आपको क्या आएगा, लेट अस रन इट। तो यहां पर आपने बता दिया कि इट इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, और वो कहां किया है आपने, इट इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, वो आपने पोजीशन से देखा और बता दिया कि इट इज नॉट अ वैलिड ईमेल, और वो कहां से आया आपके कस्टम एक्सेप्शन से जो आपने खुद बनाया। तो ये मल्टीपल एक्सेप्शन के लिए ये काम करते हैं, राइट है। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो और हमने पढ़ा था इसमें कस्टम एक्सेप्शन हो गया। आप रीथ्रोइंग का देख सकते हैं, रीथ्रोइंग का एक्सेप्शन, रीथ्रो का, तो रीथ्रो का बता देता हूं आपको। रीथ्रो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि किसी पे आप कुछ काम करना चाहते हैं, दोबारा रीथ्रो करा के उस पर कुछ और एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए रीथ्रोइंग एक्सेप्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है रीथ्रो का एक्सेप्शन। इसमें ये आपने कस्टम एक्सेप्शन लिखा, रीथ्रो का जो बनाना चाह रहा था इसमें कि आप ने एक ईमेल लिखा, ट्राई के अंदर ट्राई दिया, और उसमें आपने एक एक्सेप्शन के अंदर कहा थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन। तो आपने किया क्या,
इस एक्सेप्शन के अंदर थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन किया, इसके अंदर दोबारा थ्रो करवाया और उस कस्टम एक्सेप्शन पे आपने कंडीशन लिखी, राइट। एक वही जो पिछला कोड था, सेम सिमिलर कोड है, बिल्कुल सेम कोड है, लेकिन उसका जो मैं उसको बताने का तरीका और उसको दर्शाने का तरीका कुछ अलग है कि सेम कोड है। मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि एक ट्राई के अंदर जब आपने ये जी स्ट्रिंग पोजीशन ढूंढी, एग्जांपल आपको मिला, नहीं मिला तो आपने इसको एक्सेप्शन में भेजा, एक्सेप्शन में भेजा, एक्सेप्शन में गया, लेकिन इसके अंदर आपने एक बार और इसको थ्रो कराया कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू। कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू अब एरर मैसेज आएगा क्योंकि ये कोड बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इसका रिजल्ट वही आएगा, रिफ्रेश करूंगा तो भी वही आएगा। तो ये आपका रीथ्रो का आ गया, राइट। मल्टीपल एक्सेप्शन हो, रीथ्रो हो, इससे आप अपनी चीजों को और आसान कर सकते हैं। तो ये हमने बात की। और एक और जो पीएचपी का है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया। अब आगे जो भी आएगा, अब डेटाबेस कनेक्टिविटी है पीएचपी का एक्सएमएल के साथ, पीएचपी का एजैक्स के साथ, ये सब हम और भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखिए।